आपके दोनों तरफ, जो आपका फोर लेन रहता है उसमें दोनों तरफ इस तरह की दीवार बनाई जाती है, और जिससे कि रोड को डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में इसको डिवाइडर भी बोलते हैं। और ये जो बन जाता है ना, उसके बाद भाई बीच में मिट्टी की फिलिंग की जाती है यहाँ पे, और मिट्टी की फिलिंग करने के बाद इसमें ट्री का प्लांटेशन किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को, दोनों रोडों को आपस में डिवाइड करने के लिए इस टाइप का डिवाइडर बनाया जाता है। तो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कर्व बोलते हैं, कर्व की लेइंग। तो भाई कर्व की लेइंग कैसे की जाती है, मैं आपको आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना भाई, ये है कर्व लेइंग मशीन है, ये रेडजन कंपनी की है, SP15 इसका मॉडल नंबर है। तो इसी की मदद से भाई हम लोग यहाँ पे कर्व की लेइंग करते हैं। तो कर्व लेइंग करने से पहले भाई क्या किया जाता है, ये जो मशीन है ये पूरी तरह से फुल्ली सेंसर पे काम करती है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वायर लगा हुआ सामने, तो ये इस टाइप से स्ट्रिंग वायर पूरे में लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये जो वायर देख रहे हैं ना आप, ये जो वायर, इस टाइप का वायर पूरे सरफेस पे लगा रहेगा, क्योंकि इसी की मदद से भाई ये सेंसर चलता है इसके ऊपर, तो उसी के हिसाब से बनता है। तो ये चल रही भाई अपनी कर्व की लेइंग, और स्ट्रिंग वायर पे जो सेंसर काम कर लगे रहते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये मशीन पूरी सेंसर पे काम करती है। ये आप देख रहे हैं ना भाई, ये इस टाइप के भाई सेंसर लगे रहते हैं। अभी इस सेंसर में भाई दो रहते हैं, ये रहता हाइट वाला और ये रहता है इसका स्टेयरिंग। तो इस टाइप के दो रहते हैं, एक ये है और एक आगे भी है, एक यहाँ पे। तो इसमें, इस वाली मशीन में कोई स्टेयरिंग नहीं रहता, इसमें सीधे सीधे ये इसका हाइट वाला से, और ये इसका स्टेयरिंग, ये दोनों सेंसर काम करते हैं। इस टाइप के चार सेंसरों पे भाई ये काम करती है। ये जो रोड है भाई, यहाँ पे DBM का टॉप हो चुका है। अब DBM के टॉप के ऊपर फिर यहाँ पे हम कर्व की लेइंग कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा TM है और इस टाइप से चल रही कर्व की लेइंग। अभी ये से ये चलेगा ना, तो भाई इसमें क्या, एक हेल्पर रहता है, ये सामने आप देख रहे हैं लड़का, वो वहाँ पे बताता रहेगा कितने आगे पीछे करना है, मटेरियल साथ साथ में लेती जाएगी और साथ साथ में कर्व की लेइंग होती जाएगी। ये एक नया ही तरीका भाई कर्व लेइंग करने का। दोस्तों ये जो मशीन है, इसमें क्या है, जो TM रहता है ना, जो अपना जो कंक्रीट का मिक्सर हुआ, ये साथ साथ में चलता है। इसमें वो मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, साथ साथ में TM का जो ड्राइवर रहता है वो नज़र बनाए रखेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहेगा। ये वाला किस्सा रहता है, और साथ साथ में कंक्रीट जो हेल्पर रहता है वो उतनी ही कंक्रीट लेता रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं ना भाई, ये होता है इस मशीन का हॉपर यहाँ पे, और ये भाई है यहाँ पे हेल्पर है मशीन का, ये इसके अंदर जो हॉपर रहता है ना उसमें उतनी ही कंक्रीट लेता रहेगा। ये कंक्रीट वाले, और जो कर्व रहता है ना भाई, कर्व की कंक्रीट कुछ इस टाइप की रहती है, ड्राई टाइप की रहती है कंक्रीट। ये वाली कंक्रीट दूसरी कंक्रीट से बिल्कुल अलग है, सूखा टाइप का रहता है, क्योंकि कर्व को स्टेबल रहना पड़ता है। अगर इसमें ज़्यादा गीली कंक्रीट कर दी तो कर्व भाई खड़ा ही नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा तुरंत। तो भाई ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप सामने, इसको बोलते हैं मशीन का हॉपर, और इस मशीन के हॉपर के थ्रू जाता है ये। भाई का हेलो कर रहा हमारे दोस्त, और इसमें हॉपर से मटेरियल जाता सीधे वो सामने मशीन के अंदर। अभी भी सारा जो रहेगा पीछे का हिस्सा, तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो ये है आगे TM, जो ये सामने हॉपर मैंने अभी दिखाया था, और ये है अपनी मशीन, और जो ये हॉपर से मशीन जा रहा है सीधे इसके अंदर, जो इसका जो बिन है ना इसके अंदर। ये जो सामने आप यूनिट देख रहे हैं, ये है कर्व का मोल्ड। इसी मोल्ड के अंदर भाई वाइब्रेटर लगे हुए, 6 वाइब्रेटर, वो 6 वाइब्रेटर जब चलते ना तब भाई ये टाइप की सर्विस आती है। आप देख रहे हैं ना, अगर इसमें ज्यादा गीली कंक्रीट ला देंगे ना भाई, इसका स्लम भाई ज्यादा रहेगा तो वो ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें भाई बिल्कुल सूखी कंक्रीट टाइप की आती है, बाद में थोड़ा बहुत जो सेग्रीगेशन रहता है उसको इस टाइप से मैच कर दिया जाता है मैन्युअली। जबरदस्त फिनिशिंग लगे आ रहा है वो देखिए आप।
और एक चीज और दिखाऊं भाई, ये जो लाइन और लेवल एक जैसा परफेक्ट दिख रहा है ना, वो है भाई सेंसर की वजह से। ये जो सेंसर देख रहे ना, इस टाइप के चार सेंसर है, दो इधर है दो आगे, तो इन्हीं सेंसरों की वजह से इसकी फिनिशिंग है ना एकदम लाइन और लेवल में आती है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, और लाइन एकदम बिल्कुल सीधी जैसे कि आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो हमारी साइड है यहाँ पे, जो आप विनोद को देख रहे हैं सामने, हमारा दोस्त है विनोद, ये यहाँ का कर्व लेन का इंचार्ज है ये हमारा दोस्त। और ये जो शख्सियत देख रहे हैं ना आप, ये है भाई हमारे सोनू भैया, और ये सोनू भैया है यहाँ पे कर्व लेन के कॉन्ट्रेक्टर भाई, ये बिहार से हैं। अगर आप लोगों को किसी को कर्व लेन का काम हुआ, पीक्यूसी का काम हुआ, ड्रेन का काम हुआ, कॉन्क्रीट से रिलेटेड जो भी काम हुए ना, डीएलसी पीक्यूसी जो भी हुए, तो आप भाई इनसे संपर्क करना, मैं इनका नंबर डालूंगा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको जरूरत है कंक्रीट का काम कराने के लिए तो सोनू भैया से बिल्कुल संपर्क करिए। दोस्तों यहाँ पे आप चीज देख रहे हैं ना, मशीन चलने के बाद सरफेस तो एकदम अपनी पैरी आ ही रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है सरफेस में, पर छोटी मोटी जो 19-20 रह जाती है ना सरफेस, उसको भाई इस टाइप से मैनुअली कर लिया जाता है। ये जो नीचे जो कंक्रीट एक्स्ट्रा रह जाती है उसको निकाल दिया जाता है, और साथ साथ जो ऊपर जो भी सरफेस थोड़ी बहुत खराब हो रही है ना, उसको मैनुअली रिपेयर कर लिया जाता है। जो इस टाइप से भाई कर रहा ना, इस टाइप तो दोस्तों ये हमारे मिस्त्री साहब है बिहार से हैं, और कुछ इस टाइप से जो इसका आई रहेगा ना, उसको भी इस टाइप से थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया जाता है लास्ट में। तो ये जो भाई दे रहा है ना, बिल्कुल ये इस टाइप के औजार बनाए जाते हैं, तो अपना लाइन लेवल भाई बिल्कुल एकदम फिनिशिंग में रह जाता है। वैसे तो मशीन पूरा काम कर देती है, तो बाद में भाई थोड़ी बहुत जो रिपेयरिंग की जरूरत रहती है वो इस टाइप से कर ली जाती है। ये तरीका है भाई। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कर्व लेन चल रही है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, कि ये जो काम है ना भाई पूरा ऑटोमेटिक काम है, ऐसा आपने देख लिया, क्योंकि आगे टीएम है, टीएम भी पूरा ऑटोमेटिक है, कंक्रीट भी पूरा ऑटोमेटिक तरीके से आ रही है और मशीन के अंदर आ रही है, और जो मशीन तो पूरा ऑटोमेटिक है ही, वो कर भी भाई पूरा ऑटोमेटिक तरीके से बन रहा है। मेरा अब आपको ये कहना है कि भाई ये जो काम है ना बहुत अच्छा काम है, अगर आप लोग इस काम को सीख लेते हैं और इस टाइप का काम करते हैं तो बहुत फायदा है भाई इस काम में, क्योंकि जो भाई हमारे सोनू भाई हैं वो लगभग इसका जो रेट रहता है ना, जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर है भाई, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि भाई इसमें फिनिशिंग विनिशिंग करना हुआ, जो छोटा मोटा रिपेयरिंग करना हुआ, वो भाई लेबर से ही होता है। तो भाई जो मशीन का काम होता है उसके बाद जो काम जो लेबर का बचता है उसके लिए लेबर लगती है भाई, तो लेबर के लिए भाई इसमें क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहता है। तो जैसे हमारे सोनू भाई हैं इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं इसमें भी, तो भाई अगर आपको ये काम करना तो इसका रेट जो रहता है 30 रुपये रनिंग मीटर, 40 रुपये रनिंग मीटर के हिसाब से रहता है, जैसी आपकी सामने वाले से सौदा पड़ जाए, तो उसी हिसाब से भाई ये कर्व लेन का काम चलता है। दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो काम है ना भाई, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर इसमें काम करना चाहते हैं ना, तो बहुत प्यारा काम है ये, पर इसके लिए शर्त यही, आपको काम पहले आना चाहिए, आपके पास ट्रेंड बंदे होने चाहिए, जो आपके मिस्त्री वगैरह हुए और जो लेबर हो परफेक्ट होने चाहिए, थोड़ा काम आप थोड़ा सीख लो तब ये काम करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भाई इसके रेट बहुत अच्छे हैं, इसके रेट 30 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये रनिंग मीटर मिल जाता है, और एक दिन में लगभग 200 से 250, 300 मीटर के आसपास काम भी हो जाता है। तो आप जोड़ लीजिए भाई कितना खर्चा आता है, ज़्यादा ज़्यादा मेरे हिसाब से 6-7-8 लेबर लगती, ज़्यादा लेबर लगती नहीं इसमें, क्योंकि काम वैसे ही पूरा मशीन कर रही है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये वाला काम करना है ना, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आप सीख जाते हैं तो आपका भविष्य बन जाएगा भाई इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत प्यारी चीज़ है, हर कोई करता नहीं ये चीज़। और ये दोस्तों ये जो सरफेस है ना, ये डीबीएम का टॉप है, जो हमने डीबीएम का टॉप किया था ना अभी भाई, इसमें आपको ये यहाँ पर खटकी दिख रही होगी 140 mm की, तो भाई बीसी करेंगे हम उसके ऊपर, तो यहाँ पे बीसी हो जाएगी अपनी पूरी, तब भाई एकदम मैच हो जाएगा इससे, पूरा एकदम मैच हो जाएगा। तो भाई टीएम लगभग खाली होने वाला ही है अपना पूरा, और लगभग एक टीएम 40-35 मीटर के आसपास चला जाता है, तो ये लगभग पूरा खाली हो गया, ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत माल बचा होगा इसके अंदर, जितना है सारा ले लेते हैं। तो ये मटेरियल आएगा सारा इसके अंदर आ जाएगा, और सारा सीधे सीधे हॉपर में चला जाता है भाई, टीएम लगभग पूरा अपना खाली हो गया, थोड़ा बहुत 19-20 माल बचा होगा। और बात करी जाए भाई इस मशीन के बारे में, तो ये जो मशीन है वो तो मैंने आपको बताया था, रिडजन की SP15 मशीन है, और ये 3 ट्रैक पैड वाली है, एक इससे छोटी मशीन भी आती है, वो आती है भाई टायरों वाली, ये है भाई ट्रैक माउंटेड, इसमें ट्रैक दिए थे, 3 ट्रैक दिए हैं, इसको ट्रैक माउंटेड मशीन बोलते हैं, ये बहुत प्यारी मशीन है भाई, कीमत भी है इस मशीन की 2.5 करोड़ रुपये कीमत है भाई, ये मशीन हर किसी कंपनी के पास मिलेगी भी नहीं, हमारी कंपनी के पास पता नहीं कहाँ से।
इस काम में भाई हमारे जो पुराने वाले उस्ताद थे ना, उमेश उस्ताद, वो अभी नहीं है, वो भाई भाई हमारी कंपनी छोड़ के वो दूसरी कंपनी चले गए, क्योंकि अभी बीच में बहुत दिन तक काम बंद था, तो वो दूसरी जगह चले गए, शायद भुवनेश्वर या बेंगलोर में है वो। तो अभी ये दूसरे उस्ताद आए हैं, दूसरे ऑपरेटर साहब हैं, ये भी बिहार से हैं, क्योंकि कर्व से जो रिलेटेड जो काम हुआ, डामर हुआ, कर्व हुए, तो इससे रिलेटेड वो PQC गए। इसके जो लेबर हुए और ऑपरेटर हुए, ये खासतौर पर बिहार में बहुत ज़्यादा मिलते भाई, क्योंकि मैंने देखा है ऑपरेटरों के मामले में पंजाब सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा ग्रेडर ऑपरेटर मिलेंगे, नहीं तो एक्सावेटर ऑपरेटर मिलेंगे, और ड्राइवर बहुत मिलेंगे, साउथ में ड्राइवर मिलेंगे ज़्यादातर, और बिहार में भाई PQC और डामर का काम करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये बिहार की खासियत है भाई। ये है दोस्तों वो ऑटो लेवल जिसके थ्रू हमें यहाँ पर स्टिंग वायर का लेवल सेट करना पड़ता है, जो पैक पे लेवल देना पड़ता है स्टिंग वायर में, तो वो इसी के थ्रू दिया जाता है। ये स्टाफ है, आपको स्टाफ का तो पता ही है, ये ऑटो लेवल बोलते हैं। अगर लेवल का भी भाई आपको वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा एक दिन, वीडियो तो सारे बनाऊंगा एक दिन भाई। अभी एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ आगे चल के, वो सीरीज में ये रहेगा कि भाई रोड कैसे बनता है, एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक का भाई रोड के बारे में बताऊंगा, और फिर कभी है ना ब्रिज के बारे में बताऊंगा, ब्रिज भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे रहेगा। तो अभी कुछ नया काम मेरा चालू होने दो, नया तो मैं जीरो से दिखाऊंगा भाई, CNG से लेके BC टॉप तक का, और उसके बाद जो रोड डेकोरेशन रहता है, जो थर्मल थर्मोप्लास्ट हुआ, रंबल स्ट्रिप जो मारी जाती है, सारी चीजें दिखाऊंगा भाई, एक सीरीज लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो दोस्तों अभी निकल चल रहे हैं अपन कर्व वाली साइड से, सीधे अभी चलते हैं बोहरा के बाईपास में, बाईपास में क्या क्या हो गया वो भी दिखाता हूँ मैं, तो चलते हैं। ये अपना रोड है भाई, जो यहाँ पे BC वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो भाई कितना खूबसूरत लगता है, रोड लगता है भाई खूबसूरत बनने के बाद। देखो अभी यहाँ पे कितना थर्मोप्लास्ट वगैरह हो गया कंप्लीट, बस केवल यहाँ पे ट्री प्लांटेशन रह गया जो मीडियन में होने वाला है, जो बीच में जो डिवाइडर बोलते हैं, इसमें अंदर भाई ट्री प्लांटेशन होगा, छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे, वो रह गया, बाकी लगभग काम अपना यहाँ पे पूरा निबट ही गया है। तो दोस्तों सामने आपको एक एक्सकेवेटर दिख रही होगी गड्ढे के अंदर खड़ी हुई, तो भाई ये गड्ढे के अंदर क्यों खड़ी है आपको पता है? ये इस टाइप की वीडियो मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाई, ये पहली बार दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे हो रहा है लोड टेस्ट, और ये लोड टेस्ट होने वाला है, प्लेट लोड टेस्ट बोलते हैं इसको। तो वो जनरली क्या होता है, सॉइल की कैपेबिलिटी, जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको निकालने के लिए यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट लिया जा रहा है। और वो क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि भाई ये जो पोर्शन है यहाँ पे लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास लगभग यहाँ पे रिटर्निंग वॉल बनेगी, RCC वॉल, तो उसी के लिए हम यहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सामने आपको जो टेस्ट चल रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक से। तो दोस्तों ये जो प्लेट लोड टेस्ट जो कर रहे हैं हम, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज लेते हैं, और ये जो बताएंगे मेरे दोस्त हैं आदित्य, वो बताएंगे, क्योंकि लैब का काम है ना, तो अच्छे से आपको समझा देंगे। तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये जो इक्विपमेंट रखे इनके बारे में भी, और जो प्रोसीजर रहता है उसके बारे में भी। हाँ, ये जो इक्विपमेंट है इसको क्या बोलते हैं? ये जो है लोड सेल है हमारा। अच्छा अच्छा। इसके मतलब कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसका, मतलब 500 किलो न्यूटन का है। हाँ। और जो लिस्ट काउंट है हमारा 2 किलो न्यूटन है। अच्छा। तो सपोज ये जीरो से मतलब कि अपने को लोड देना रहता है 10 किलो न्यूटन तक। हाँ। का तो सपोज अगर जीरो से यहाँ तक जाएंगे तो ये 10 किलो न्यूटन। हाँ, क्योंकि एक पॉइंट जो है हमारा 2 किलो न्यूटन है, 5 पॉइंट बढ़ेंगे तो हमारा 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से हम सबसे पहले इनिशियल लोड देते हैं 10 किलो न्यूटन का, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं। हाँ। फिर उसके बाद फिर से 10 किलो न्यूटन का लोड दे करके, सेटलमेंट ना हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे सैंड का एक लेयर प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर 25 mm थिकनेस का 300x300 mm का प्लेट रखते हैं, स्टैंडर्ड साइज है उसको प्लेट रखते हैं। उसके ऊपर हमारा जो है जैक फिट रहता है, जो कि हाइड्रोलिक जैक है, जो वहां से हम वो तो प्रेशर वहां से देंगे, हाँ, हैंडल के थ्रू उस पे लोड देते हैं। और ये हमारे जो दो हैं ये अपने सेटलमेंट गोज लगे हैं। हाँ। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको गोज, ये सेटलमेंट, ये एक्चुअली डायगोनली लगाना होता है, या तो हम इस डायगोनली लगाते या डायगोनली ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और इसको पूरा डेटम के थ्रू पूरा फिक्स किया जाता है परपेंडिकुलर एकदम, और उससे यहाँ से लोड देते जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका रीडिंग नोट करते हैं जो कि हमारे पैड में नोटेड है वही। और उसके बाद वैसे ही हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे 10 किलो न्यूटन का हुआ तो उसको 10 मिनट्स तक रखेंगे। हाँ, 10 मिनट के जो 10 मिनट पे अपन चेक करते हैं, उसका हम चेक करेंगे कि हमारा कितना सेटलमेंट हुआ, फिर उसको इंक्रीज करते हैं 10 किलो न्यूटन वहां से,
फिर उसका रीडिंग नोट करते हैं कि हमारा कितना सेटलमेंट हुआ। ऐसे करते करते हम तब तक जाएंगे जब तक कि हमारा जो प्लेट नेट सेटलमेंट है वो प्लेट का वो 25 mm 25 mm के आसपास में चले जाए, से ज्यादा हो गया सेटलमेंट तो वो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम उसका ग्राफ प्लॉट करके उसका रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट निकालते हैं। ये जो प्लेट लोड जो कर रहे हैं वो तो भाई अपन को, आपको मैंने बताया था कि ये जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी आरसीसी वॉल बननी है, यहाँ पे लगभग 100-150 मीटर के आसपास लेंथ, अभी मेरे को कन्फर्म नहीं पता, तो उसी हिसाब से जब ये बनेंगी तो उसी के लिए भाई यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। तो इसीलिए सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहे, क्योंकि रिटेनिंग वॉल भाई सॉइल के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पत्थर हार्ड स्टार्टा नहीं है। तो इसके जो भी इसके रिजल्ट रहेंगे उसके हिसाब से जो इसकी फुटिंग बनेगी उसका साइज इसी पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्व लिंक का अपना काम पूरा निपट गया है। अभी भाई यहाँ पे अपन ने मशीन हटा दी है और TM भी साइड में कर लिया है। और ये देख रहे हैं आप मशीन अभी हुई भाई इसकी क्लीनिंग, साइड में लगा के भाई इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है भाई, कॉन्क्रीट से रिलेटेड जो भी मशीनरी रहती ना उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है इस टाइप से। तो ये देख रहे ना भाई ये चल रहा है भाई इसका क्लीनिंग, इसमें भाई ये पूरे हाइड्रोलिक जैक रहते हैं पूरे उठा दिए जाते हैं। आप देख रहे ना बंदा नीचे से जाके पूरी मशीन साफ करेगा, जहाँ जहाँ कॉन्क्रीट जिस जिस पोर्शन में इसमें अटैच में आती है ना भाई जिस जिस जगह पे, तो उसको पूरा भाई रिमूव करना पड़ता है, साफ करना पड़ता अच्छे से। तो ये खासियत है भाई ये 2.5 crore की मशीन की। देखो भाई इसका प्रेशर भाई बहुत गजब का रहता है, इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है मैंने देखा। अभी मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँगा, देखो उससे क्लीन करूँगा थोड़ा, पर दूर से करना पड़ता है भाई, पास से नहीं कर सकते इसको, क्योंकि दूर से करेंगे नहीं तो इतना प्रेशर है भाई कलर भी निकाल सकता है, मेरे को डर लगता है, इसलिए दूर से करूंगा मैं। अभी लेके आऊंगा भाई अपनी गाड़ी भी थोड़ी क्लीन करूंगा, इसको पहले हो जाने देते अच्छे से क्लीन, उसके बाद फिर अपनी गाड़ी भी करेंगे। पर आप देख रहे हो ना भाई प्रेशर देखो भाई, कॉन्क्रीट के कॉन्क्रीट पूरा निकाल देता है, इतना प्रेशर भाई किसी सर्विस स्टेशन पर भी नहीं देखा होगा आपने जितना इसका अभी है। पूरा मोल्ड साफ कर दिया भाई ने। तो भाई गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी अपनी, अभी देखना इसके प्रेशर भाई बहुत है, पर डर लगता है भाई इससे, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज्यादा है ना, ऐसा लगता है भाई कोई कलर वाला ना निकाल दे। तो मैं दूर से ही करवाता हूँ इसको, थोड़ा दूर से खड़ा करके जिससे क्या प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तभी भाई इसको साफ करेंगे। अभी इस मशीन पे देखो यहाँ पे ये प्रेशर के लिए दिया, ये देखो कितना बड़ा पंप दिया हुआ है, और जो मोटर भी है ना भाई हाइड्रोलिक मोटर भी है, इसका देखो इसी का प्रेशर है भाई यहाँ पे। दोस्तों ये देखो आप यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की साइड पे रहने का फायदा ये होता है, हम लोगों को हर चीज अलाउ हो जाती है। मैंने एक दिन दिखाया था ना मैंने कि एक दिन मैं कर्व मशीन का प्रेशर दिखाऊंगा, तो ये है उसका प्रेशर, गजब का प्रेशर है भाई इसका, ऐसा प्रेशर भाई आपने वहाँ पे भी नहीं देखा होगा, सर्विस स्टेशन पे भी इस टाइप का प्रेशर नहीं दिख रहा जिस तरह से दिख रहा ना उसका। मैं क्या बता रहा हूँ, अभी देखना जब ये गाड़ी धुल जाएगी ना पूरी, तो इस पर कपड़ा मारने की जरूरत भी नहीं रहेगी, इस टाइप से साफ हो जाएगी। पहले नहीं थे तब ज्यादा प्रेशर था, अभी थोड़ा कम है। नहीं नहीं ये बना है नहीं है ना, पाइप लीकेज है ना, गन वन भी पेंट तो नहीं उड़ेगा यार, पर भाई वो बहुत उड़ जाएगा, पर भाई बात थोड़ा आगे मार दे बस। भाई तकरीबन हो गई अपनी गाड़ी तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे कर रहे हैं अपन एंड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।